Hello future doctors, welcome to our YouTube channel MedJ Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. Let's start now. आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट टू को लेके आया हूँ और करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन से शुरुआत. ये पहला क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पर्सन्स ए बी ब्लड ग्रुप हैं और उसके बच्चों का जो रेशियो ह्यूज अमाउंट ऑफ बच्चे हैं उसके आई मीन लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप ए बी एंड बी रेशियो 1:2:1. तो इसके चार ऑप्शन में से कौन से मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन बनते हैं राइट. आप भी सोचो और फटाफट आंसर करो. उसके बाद आप देखो कि आप जो बोल रहे हो आपका आंसर जो प्रिडिक्शन है वो सही है या गलत है, फिर हम करते हैं डिस्कशन. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशियो 1:2:1 होती हैं लेकिन आप वो नहीं लोगे क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल में ब्लड ग्रुप नहीं आता है. ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस के एग्जाम्पल में आता है राइट. तो को डोमिनेंस इसके बहुत ही सिंपल वे में आप आंसर कर सकते हो लेकिन इसमें क्या कन्फ्यूज़न है या इससे क्या एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जा सकते हैं मैं वो कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है. क्योंकि ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है हमारे इसमें जो एलील है हमारे वो तीन है एलील. क्योंकि एक ए के लिए, एक बी ब्लड ग्रुप के लिए, एक ओ के लिए. तो इसके जो एलील हैं वो हमारे थ्री हैं. नेक्स्ट जीनोटाइप. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप होगा वो ये हो सकता है या ये हो सकता है. अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप ये या ये हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका एक ही जीनोटाइप होगा और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप ये होगा. तो टोटल जीनोटाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो एलील इसके थ्री हो गए और जो इसके जीनोटाइप हो गए वो सिक्स हो गए. तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये समझाया, दूसरा ये समझाया और तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक और एग्जांपल मल्टीपल एलिलिज्म में आएंगे. ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एलील के एग्जांपल आएंगे. तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी. साथ साथ अगर ब्लड ग्रुप ए जिसमें हमारा आई ए आई ओ, ब्लड ग्रुप बी जिसमें आई बी आई हो तो ये एक डोमिनेंट रिसेसिव को भी दिखाता है. अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप उसे क्लिक करोगे, अदरवाइज आप इसे को डोमिनेंस में लोगे स्ट्रिक्टली. कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें माइंड नहीं लगाना. क्वेश्चन नंबर टू. अ प्रेग्नेंट वेमेन एक प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ. फर्स्ट स्टंटेड ग्रोथ, नेक्स्ट वन मेंटल रिटार्डेशन. आप इसके कैरेक्टर को काफी ध्यान दोगे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा. मेंटल रिटार्डेशन के साथ लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन को इसने दिया है. मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहता हूँ कि लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन एक रेशियो है. ये रेशियो आपके रीजनिंग एबिलिटी को बताता है. अगर ये रीजनिंग एबिलिटी आपकी हाई है तो इसकी जो ये इंटेलिजेंस होगी ये ज़्यादा होगी. और नेक्स्ट जो है वो है एबनॉर्मल स्किन. तो मैं आपको इन सारे कैरेक्टर्स को, फीचर्स को इसके ऑप्शन से कोरिलेट करना चाहता हूँ. लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो इससे बोन और मसल्स इसकी ग्रोथ कम होगी. इससे हमारे इन फीचर्स का कोई लेना देना नहीं है. तो हमारा ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है. दो ऑप्शन इसके, वन कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अनदर वन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट. दो आपको कंफ्यूज करवाने पे यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है. लेकिन यहाँ पे ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टेलिस है जो शायद आप समझ पाओ या नहीं. मैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ. एक्चुअली जो
पार्स डिस्टेलिस जो है वो पिट्यूटरी का इंटीरियर पार्ट है, इसे हम पार्स पार्स डिस्टेलिस या एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं। ये दोनों टर्म जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। अगर मैं सिर्फ सिर्फ क्योंकि ये आयोडीन याद दे रखा है थायराइड, तो मैं अगर सिर्फ टीएसएच की बात करूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये सिक्रीशन बढ़ाएगा अगर ओवर सिक्रीशन होता है। इफ ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टेलिस ये बढ़ाएगा, और अगर ये बढ़ता है तो ये एक हाइपर थायराइडिज्म का केस होगा, और ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं, ये सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं, राइट। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, तो आपके हाइपर वाले केस होंगे नहीं, इसलिए आप यह भी एलिमिनेट करोगे। और मैं आपको बता दूं, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, यहाँ के लिए आप एक दो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर कैंसर हो या अगर आपको वहां पे कोई सिस्ट बन जाए या कहीं वहां पे एक एबनॉर्मलिटीज आ जाए, तो वो हाइपर थायराइडिज्म का ही केस क्रिएट कर देता है, राइट। तो इसलिए ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, अगर ये होता है तो इससे हाइपोथायराइडिज्म होगा, और हाइपोथायराइडिज्म के जो ये फीचर्स क्वेश्चंस में दे रखे हैं, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं, उससे मैं आपको, देखो ये जो लो इंटेलिजेंस की बात इसने करी है, इस चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन होंगे, और साथ में इसके एक और फीचर होंगे जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत ही ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इससे डीप म्यूटिज्म, यानी कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू यू नो स्पीक और हियर, ना तो वो सुन पाएगा और ना ही वो बोल पाएगा, गूंगा बहरा दोनों साथ साथ। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर हमारा होता है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी क्वेश्चन है, और उस स्ट्रक्चर से अगर आप स्ट्रांग हो तब तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन राउंड से बना लोगे बिल्कुल कम टाइम स्पेंड करके, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आपको तुक्के में मारोगे जो कि गलत जाएगा। मैं इसको बेस्ट तरीके से बताता हूँ ये सोच के कि आपको स्ट्रक्चर पता है, अदरवाइज मैं इसके काफ़ी क्वेश्चन के सेट करवाऊँगा। ये हमारा पेंटोज शुगर है, राइबोज, एक्चुअली पेंटोज शुगर में आते हैं राइबोज, डिऑक्सी राइबोज एंड ए राइबिनोज। ये हमारे राइबोज जो है वो आरएनए में लगते हैं और डिऑक्सी राइबोज डीएनए में लगते हैं। तो ये पेंटोज शुगर है, इसमें एक बहुत ही सिली मिस्टेक है, आप गौर से देखोगे ये सारे कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन को उसने लगा दिया, जबकि कार्बन के नीचे OH जाएगा, तो इन चीज़ों की वजह से ये गलत हो गया। फर्स्ट, सेकंड, ये स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आगे डाटा इसने जो एरेक्डोनिक एसिड के कंपोनेंट को, ये जो इसके यू नो कंस्टिट्यूएंट्स में बताया कि डराइव्ड हो रहा है, वो एरर आ गया। आगे वो डी विटामिन डी के लिए सही है, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल डराइव फ्रॉम 20 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड एरेक्डोनिक एसिड, इट्स नॉट 100% ट्रू, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। नाउ दिस वन इज यूरासिल, यूरासिल हमारा प्यूरिन में से नहीं है, ये एक पिरिमिडीन है, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन में आते हैं और ये आरएनए में, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, सिर्फ पिरिमिडीन प्यूरिन का चक्कर यहाँ पे किया, स्ट्रक्चर सही है इसलिए ये भी एलिमिनेट होगा। एंड नाउ फाइनली फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो है लेसिथीन है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसने दिए हैं सेल, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं तो लिपिड कंटेंट में फॉस्फोलिपिड काफ़ी होते हैं, एक तो ये लेसिथीन की बात करी है और ग्लिसरॉल फैटी एसिड जो भी फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ये कौन, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है तो लिपिड के साथ फॉस्फोरस या उसके का जो है डेरिवेटिव्स आएंगे, और ये स्ट्रक्चर हमारे, कई बार ये एन प्लस आपको किसी क्वेश्चन में ये एन सिर्फ दिया हुआ मिलेगा, लेकिन अगर थोड़े से आप केमिस्ट्री के पर्पज से इसको समझें तो
चार बॉन्ड नाइट्रोजन का डायरेक्ट नहीं हो सकता जब तक एन प्लस ना हो. दिस वन इज द बेस्ट यू नो रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से है, और अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा. क्वेश्चन कह रहा है कि द रिप्रेशर ऑफ द ओपेरन. सबसे पहले तो मैं आपको ओपेरन बताना चाहता हूँ क्या होता है. ये लैक ओपेरन का क्वेश्चन है. आप पूरे क्वेश्चन को तब तक रीड करो. इसके ये प्रोमोटर रीजन है, ये इसके रेगुलेटर रीजन होते हैं जिसमें एक जीन आई जीन होता है, फिर प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, और ये इधर तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो जेड वाई एक्स करके होते हैं स्ट्रक्चरल जीन. क्वेश्चन का क्या पर्पस है, क्वेश्चन ने बी से पिक कर रखा है. आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, लैक ओपेरन मीन्स लैक्टोज. अगर आप मिल्क ले रहे हो तो मिल्क का शुगर होता है डाइसेक्राइड में लैक्टोज, और अगर ये डाइजेस्ट होगा तो ये बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और जो डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आएगा वो होगा लैक्टेज, और लैक्टेज एक प्रोटीन एंजाइम है, और ये प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होना है. तो ये एक रिप्रेशर प्रोटीन रिलीज करते हैं, और रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेंगे, वो उसके ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड करेंगे. राइट, अगर ये रिप्रेशर के प्रोटीन पे बाइंड करेंगे, ये सब तब होता है जब लैक्टोज एब्सेंट है. अगर मिल्क किसी ने नहीं ले रखा है तो ये, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं रहा ऑपरेटर रीजन ओपन रहा तो ये कंटिन्यू इसके प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस से ये लैक्टेज टेस्ट हो जाएगा बनना ये एंजाइम, और ये डाइजेशन वाला प्रोसेस, क्योंकि डाइजेशन जिसका होना वही नहीं है इसलिए ये इसको बाइंड करके रखता है. तो ये नॉर्मली होता है तब तक जब तक मीडियम में लैक्टोज ना हो. अब हम क्वेश्चन के लाइन को पिक करते हैं. सबसे पहले कि ये जो कंडीशन है रिप्रेशर ऑफ द ओपेरन सिंथेसाइज ए, राइट, तो ये जो ए सिंथेसाइज कर रहा है वो कंस्टिट्यूटिवली करता है, और ए बाइंड करता है कहाँ पे जाके, बी पे. तो यानी बाइंड देख लो आपको मैंने डायग्राम में ऑपरेटर पे करता है. और अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है, ये नॉर्मली होता है. आप ये बोलोगे कि लैक्टोज मीडियम में है तो ऐसा नहीं है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानूं, लेकिन ये जब मीडियम में है ये तो एक कंडीशन है. आप कंडीशन प्रोवाइड करोगे तब होगा, अदरवाइज तो सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा और उस सिस्टम में वो प्रिवेंट करेगा. राइट, तो यहाँ पे ये एक आगे के वर्ड को छोड़ दिया, यहाँ पे इसके साथ एक और चीज़ ऐड होना था, उसे करना था हमें ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली ये रिलीज होगा एंड बी ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा और वो प्रिवेंट करेगा फर्दर. दिस वन इज लैक ओपेरन, और ये कंप्लीट जो जीन का सेट देख रहे हो अरेंजमेंट, इसे ही हम ओपेरन बोलते हैं. नाउ एक्चुअली यहाँ पे जीन बैंक एक स्टोर है, और ये एक प्रोसेस है, काफ़ी क्लोज है. आप इसे समझने में तभी क्लियर कर पाओगे जब ये क्वेश्चन समझोगे. द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील ऑफ ऑल द जीन इन गिवन क्रॉप. तो ये कहाँ से किसकी बात कही जा रही है, राइट. एक्चुअली इसका बेस्ट आंसर जर्म प्लाज कलेक्शन है, क्योंकि जर्म प्लाज कलेक्शन क्यों करते हैं हम कोई चीज़, क्योंकि कलेक्शन करने का पर्पस है हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. ये पर्पस है, राइट. और एक्चुअली कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज एंड रिलेटिव्स, ये जो भी होंगे ये एक प्रोसेस के थ्रू ही हमें किया जाएगा, राइट. एक्चुअली कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल इज बेसिक टू प्रिजर्व यू नो वाइल्ड टाइप, और फिर हम उसके ऊपर वाइल्ड टाइप जो है वो हमारे सबसे बेसिक्स हैं. तो और ये हमारा जीन बैंक, देखो ये जीन बैंक भी ऑप्शन हो सकता था अगर जर्म प्लाज कलेक्शन में ऑप्शन में ना हो. तो अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो जर्म प्लाज इज द कलेक्शन इज द बेटर ऑप्शन, अदरवाइज ये नहीं है तो जीन बैंक आपके आंसर में जाएंगे. और मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है.
मैं इसलिए क्वेश्चन को प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि ये नीट में पूछा हुआ है, ये भी नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड ग्रुप वाला, ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम नीट टारगेट लिया था 2013 में, तो ये नीट ने ही इस तरीके के क्वेश्चन का फ्रेम करना स्टार्ट किया था। नाउ जो हमारा ये एटलस 66 है, ये इम्प्रूव वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। सबसे पहले ये तो एक डाटा इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रखोगे, जो वीट है, आंसर आप वीट कर लो, और वीट से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक सरबती सोनारा सोनोड़ा, नेक्स्ट वन इज पूसा लर्मा, थर्ड वन इज लर्मा रोजा। ये जो है हमारी ये मैक्सिकन वैरायटी है ऑफ वीट, ऑब्वियसली वीट में ही मैंने डाला है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे गामा रेडिएशन से, गामा रे ट्रीटमेंट से है, ठीक है। और गामा रे ट्रीटमेंट किससे लिया गया है, फ्रॉम सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा, इसलिए वीट के लिए ये इंफॉर्मेशन। राइस के लिए इंफॉर्मेशन मैं एक देना चाहता हूँ, जया रत्ना, ये इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, और ये डराइव्ड हुआ है IR8, राइट, IR8 फ्रॉम फिलीपींस एंड ताइचुंग नेटिव वन फ्रॉम ताइवान। राइट, ये हो गए राइस, एक्चुअली ये दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये राइस और वीट से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैक्रम ऑफिसिनेरम इज द वैरायटी ऑफ सुगर कैन विच हाई सुगर कंटेंट एंड हाई यील्ड बट डू नॉट ग्रो वेल इन। तो मैं ये बताऊँ कि जो सुगर कैन है इसकी दो वैरायटी हैं, एक है सैक्रम बारबेरी और एक है सैक्रम ऑफिसिनेरम। देखो बारबेरी जो है ये होता है नॉर्थ इंडिया में और सैक्रम ऑफिसिनेरम है साउथ इंडिया में। इसका स्टेम जो है वो थीकर है, ऑब्वियसली स्टेम अगर थीक होगा तो शुगर का कंटेंट क्या होगा, हाई होगा, और जस्ट इसके रिवर्स में इसका जो है पुअर शुगर कंटेंट है, और पुअर शुगर कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली यील्ड भी इसका पुअर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रीजन है, क्योंकि देखो कोई भी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन ये साउथ इंडिया के लिए तैयार है, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं रह सकता, इसलिए इसे आप जब नॉर्थ इंडिया में लाओगे तो ये नहीं सर्वाइव करेगा, नॉट सर्वाइव, इसलिए हाई यील्ड डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। तो ये ग्रो कहाँ करेगा, साउथ इंडिया में। तो फिर लेटेस्ट में दोनों को मिक्स करके एक नई वैरायटी बना ली जिससे कि कंटेंट शुगर का भी बढ़ गया और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया दोनों जगह का वो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये अगर यहाँ आएगा नॉर्थ इंडिया में तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ ले आया मिक्स करके उसे हाइब्रिड बनाया गया, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन के हमारे कलेक्शन थे जिसकी वजह से हमने ये एक सीरीज में इसे देना इम्पोर्टेंट समझा, राइट। तो फाइनली मैं आपसे एक अपने एक इमोशंस को शेयर करना चाहता हूँ। आज जो 1 जुलाई, जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 जुलाई है और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे को आपके लिए काफ़ी इमोशंस और हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ कि रियली
ये जो आज मैं आपको फ्यूचर्स डॉक्टर को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करने जा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को मेरे लिए एक परफेक्ट ड्रीम को ट्रू बनाओ, राइट। और आप हमारे लिए ये इस चीज़ों को समझना कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया है, क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर आप ही हो, आप बनोगे, आप ही बनोगे। चलो ये एक सपने हैं, हो सकता है हमारे इन सपनों को देख के सुन के कोई मजाक भी उड़ाए, बट एक बात मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सो माई डियर, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो, लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।